कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विस बीके बंसल ने फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से उनकी तैयारियों को लेकर बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों के लिए आदेश जारी किए हैं कि उनके अस्पताल में 50% बेड कोरोना पीड़ितों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं। साथ ही फरीदाबाद में टेस्टों की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भारत सरकार कोरोना की वैक्सीन लाने पर गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए सबसे बड़ी वैक्सीन है 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। उन्होंने कहा कि जहां तक हो सके भीड़ भाड़ में जाने से बचें। मैंने आपको ट्रीटमेंट के लिए बताया ही है, टेस्टिंग का भी हमने बताया है कि इंक्रीज कर दी, आज से इन्फेक्ट इंक्रीज कर दी। अभी मेरी डॉक्टर शोकन से बात हुई है, आज 3000 टेस्ट RT-PCR के आज में ये कलेक्ट कर चुके हैं एक दिन में। और बाकी आप प्राइवेट लैब में भी लोग वहाँ जाते हैं तो 1000-1500 वहाँ के भी लगाओ, तो करीब करीब आप समझो 4000-4500 टेस्ट आज के दिन होंगे, और ये जो है इससे ऊपर ही टेस्ट जाएंगे आगे आने वाले दिनों में। ऐसे मैंने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो इनकी कैपेसिटी है थर्स्टी की और ESI लैब की, वहाँ पे ये टेस्ट करवाएं अपना। और इसके अलावा कल माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब श्री अनिल विज जी ने और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है श्री राजीव अरोड़ा जी ने भी ये दिशा निर्देश दिए हैं कि यदि आपकी कैपेसिटी थर्स्टी में और ESI में ख़त्म हो जाती है या सरकारी में कहीं नहीं भेज सकते हैं तो आप प्राइवेट में भी सैंपल भेजिए और सबके टेस्ट होने चाहिए। तो इसीलिए तुरंत आज हमने सैंपलिंग बढ़ा दी है और हम जैसा कि निर्देश दिया है माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कि सभी जिलों में जो है लैब होनी चाहिए RT-PCR की खुद की सिविल हॉस्पिटल्स में, तो उसके मद्देनज़र उनके निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कोशिश करेंगे या जल्दी से जल्दी जो है लैब इस्टेब्लिश करें RT-PCR की, तो उससे भी हमारी टेस्टिंग और बढ़ जाएगी। हाँ, वो ऑलरेडी सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और 900 रुपये पर टेस्ट जो है इसके लिए RT-PCR के लिए सरकार ने फिक्स किए हुए हैं। लेकिन ये 900 रुपये प्राइवेट जो कोई पेशेंट करवाता है प्राइवेट लैब से उसके लिए फिक्स हैं। सरकारी अस्पताल में हमारे जितने भी टेस्ट लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। हमारे यहाँ पे किसी भी पेशेंट से कोई भी चार्ज नहीं किया जा रहा, चाहे किसी भी तरह का टेस्ट है, चाहे वो RT-PCR टेस्ट है, चाहे वो एंटीजन टेस्ट है, बिल्कुल निशुल्क है। तो इसलिए कोई भी पेशेंट जिसको भी जरा सा भी खांसी जुकाम बुखार है वो हमारे सिविल हॉस्पिटल में आए और अपना टेस्ट कराए, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा बिल्कुल, और उसको फ़ोन पे ही जो है उसकी रिपोर्ट भी बता दी जाएगी। उसको रिपोर्ट लेने आने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैसेज के थ्रू रिपोर्ट भी पहुंच जाएगी। वैक्सीन के बारे में चल रहा है, अभी भारत सरकार इस तरफ पूरी तत्परता से जो है ध्यान दे रही है, लेकिन जब तक वैक्सीन आएगी तब तक तो सबसे बढ़िया वैक्सीन जैसे कि हम कहते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क का जरूरी है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और गैदरिंग्स में इकट्ठा ना हो और अवॉइड करें गैदरिंग्स में। और सबसे बड़ी ज़रूरी है कि जो हमारे हरियाणा की मोर्टिलिटी है, मृत्यु दर है, वो बहुत कम है कोविड पेशेंट की, 1% के आसपास ही है। लेकिन यदि लोग ध्यान रखें, मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी हमारे हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जिनको, जैसे कि जिनकी 60 साल से ऊपर की आयु है, या जो को TB का मरीज है, कैंसर का मरीज है, कोई किडनी पेशेंट है, कोई हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ये यदि विशेष तौर पे अपना ध्यान रखें, अपने आप को अलग रखें जो है गैदरिंग से, और दूरी बनाए रखें, मास्क वगैरह रखें, तो हमारी मोर्टिलिटी और कम हो जाएगी। क्योंकि जो भी मृत्यु हुई है वो कोमॉर्बिड पेशेंट्स की ज़्यादा हुई है, न कि नॉर्मल पेशेंट्स की मृत्यु हुई है। आप कहते हैं कि गैदरिंग में ना जाएं, लेकिन स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल में बच्चे लगातार संक्रमित हो रहे हैं, टीचर संक्रमित हो रहे हैं, तो क्या आप सरकार के इस फैसले को ठीक मानते हैं कि बच्चों को? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मेरा सोशल गैदरिंग से मतलब ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ मेंटेन नहीं रखते जब ये सामाजिक फंक्शन होते हैं हमारे स्कूलों में, तो हम तमाम तरह के इस तरह के एहतियात के साथ सरकार ने स्कूल खोले हैं, और वो ज़रूरी भी था क्योंकि ये नहीं है कि कोविड के साथ साथ में अब जब दूसरी सभी चीज़ें ओपन कर रहे हैं तो स्कूल भी ओपन करके ताकि उनको भी शिक्षा मिल सके और सारा का सारा सुचारू रूप से चल सके, इसलिए ये काम हुआ है। तो वहाँ पूरी एहतियात रखी जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं।